तो हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू द स्टाइलिस्ट फॉर यू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के इस नए वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पिकशॉट एप्लीकेशन के मदद से विंस फोटो एडिटिंग कुछ इस तरह का प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग कैसे करते हैं। तो इस तरह का फोटो एडिटिंग करने में हम जो भी PNG एंड बैकग्राउंड का यूज़ किए हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पिकशॉट एप्लीकेशन में अपना बैकग्राउंड को ओपन कर लिए हैं, अगर आपके पास पिकशॉट एप्लीकेशन नहीं है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये बैकग्राउंड को डाउनलोड करने के बाद इसे करेंगे पिकशॉट एप्लीकेशन में ओपन, और इसमें ओपन करने के बाद हम जाएंगे ड्रॉ में और इस बैकग्राउंड को करेंगे ड्रॉ में ओपन, और इसमें ओपन करने के बाद यहां से करेंगे लेयर वाले आइकन पर क्लिक, और ये जो हमारा एक खाली एम्प्टी लेयर है इसको कर देंगे सिलेक्ट, और इसको सिलेक्ट करने के बाद यहां से लेयर को कर देंगे बंद, और बंद करने के बाद हम जाएंगे ऐड फोटो में, और ऐड फोटो में जाने के बाद लाएंगे अपना मॉडल को। ओके, तो ये मॉडल को लाने के बाद आप देख रहे हैं कि इसका तो बैकग्राउंड पहले से इरेज है। तो अगर आपको फुल HD में बैकग्राउंड को इरेज नहीं करने आता है तो हमने इस पर पहले वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। उसके बाद ये फोटो को यहां पर कर देंगे अच्छे से फिट, और अच्छे से फिट कर देने के बाद हम जाएंगे फिर से ये लेयर वाले आइकन पे, और लेयर वाले आइकन पे जाने के बाद यहां करेंगे लेयर वाले आइकन पर क्लिक, और यहां से एक करेंगे एम्प्टी लेयर न्यू क्रिएट, और इसमें क्रिएट करने के बाद ये लेयर को लाएंगे और मॉडल और बैकग्राउंड के बीच में कर देंगे इसे ऐड, और ऐड करने के बाद यहाँ से जाएंगे कलर वाले आइकन पे, और कलर वाले आइकन पे आने के बाद ब्लैक कलर को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से कर देंगे डन, और यहाँ से डन करने के बाद हम यहाँ से करेंगे लेयर को बंद, और बंद करने के बाद अपने पैर के नीचे बनाएंगे शैडो। तो इतना हो जाने के बाद हम यहाँ से करेंगे लेयर वाले आइकन पर क्लिक, और इस पर क्लिक करने के बाद इसका ओपासिटी को कर देंगे 20% कम, और यहाँ पे और यहाँ से करेंगे एम्प्टी लेयर को एक और ऐड, और एम्प्टी को लेयर को ऐड करने के बाद अपने मॉडल के नीचे, और ये शैडो को बीच में इसे लाकर यहीं पे रख देंगे, और उसके बाद यहाँ से लेयर को कर देंगे बंद, और बंद करने के बाद जाएंगे ऐड फोटो में, और ऐड फोटो में जाने के बाद लाएंगे एक विंस का PNG। ओके, तो ये विंस का PNG को लाने के बाद इसे करेंगे जूम, और जूम करने के बाद इसे अपने मॉडल के ऊपर कर देंगे अच्छे से ऐड, और अच्छे से ऐड कर देने के बाद हम यहाँ से कर देंगे डन, और डन करने के बाद अब हमारा ड्रॉ का जो काम था वो पूरा हो गया है। उसके बाद हम जाएंगे ऐड फोटो में, और ऐड फोटो में जाने के बाद लाएंगे एक PNG। ओके, तो ये PNG को लाने के बाद इसे करेंगे छोटा, और छोटा करने के बाद हम जाएंगे ब्लेंड में, और इसका ब्लेंडिंग मोड को कर देंगे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई कर देने के बाद यहाँ से इसे कर देंगे फ़ोटो को जूम, और फोटो को जूम करने के बाद इसे अपने माथे के ऊपर कर देंगे इसे ऐड। और इतना हो जाने के बाद हम जाएंगे फिर से ऐड फोटो में, और ऐड फोटो में जाने के बाद लाएंगे एक और ब्लड का PNG। ओके, तो ये ब्लड का PNG को लाने के बाद हम जाएंगे ब्लेंड में, और इसका भी ब्लेंडिंग मोड को कर देंगे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई कर देने के बाद फोटो को करेंगे जूम, और जूम करने के बाद ये PNG को करेंगे छोटा, और छोटा करने के बाद इसे लाएंगे ऊपर, और ऊपर लाने के बाद अपने गर्दन के पास इसे कर देंगे ऐड। और इतना हो जाने के बाद हम यहाँ से कर देंगे डन। उसके बाद इतना हो जाने के बाद हम जाएंगे ऐड फोटो में, और ऐड फोटो में जाने के बाद लाएंगे दो ब्लड का PNG। ओके, तो ये ब्लड का PNG को लाने के बाद इसे करेंगे छोटा, और छोटा करने के बाद हम जाएंगे ब्लेंड में, और इसका ब्लेंडिंग मोड को कर देंगे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई कर देने के बाद इसे अपने दोनों आँख में कर देंगे फिट, और यहाँ से इस वाले आँख में फिट कर देने के बाद हम जाएंगे यहाँ से इरेजर टूल के नीचे, और नीचे जाने के बाद एक कर देंगे इसका डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट करने के बाद एक और आँख है इस वाले आँख में इसे कर देंगे फिट, और फिट करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे फिर से ऐड फोटो में, और ऐड फोटो में जाने के बाद लाएंगे दो सन का PNG। तो उसके बाद ये सन का PNG को लाने के बाद हम जाएंगे क्रॉप में, और क्रॉप में जाने के बाद जो नीचे एक सफ़ेद वाला एरिया है उसे कर देंगे यहाँ से क्रॉप, और क्रॉप करने के बाद हम जाएंगे ब्लेंड में, और इसका ब्लेंडिंग मोड को कर देंगे स्क्रीन, और ब्लेंडिंग मोड को स्क्रीन करने के बाद इसे करेंगे छोटा, और छोटा करने के बाद यहाँ अपने एक दोनों आँख में कर देंगे इसे फिट, और यहाँ से इस आँख में फिट कर देने के बाद हम यहाँ से कर देंगे इस एक डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट कर देने के बाद ये वाले आँख में इसे कर देंगे फिट, और फिट करने के बाद इसका ओपासिटी को कर देंगे 10% कम, और इसका भी ओपासिटी को कर देंगे 10% कम।
और इतना हो जाने के बाद अब हमारा जो भी पीएनजी एंड बैकग्राउंड का ऐड करना था वो पूरा हो गया है। उसके बाद हम यहाँ से कर देंगे डन, और डन करने के बाद हम जाएंगे ड्रो में, और ड्रो में जाने के बाद इस फोटो को कर लेंगे सेव। और ड्रो में आने के बाद करेंगे थ्री डॉट पर क्लिक, और थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद कर देंगे सेव इमेज, और हमारा फोटो सेव हो जाएगा।